वर्बल Here are some past paper analogies. Analogies में आपने क्या करना होता है आपको words होते हैं और आपको उनकी आपस में रेलिवेंस देखनी होती है और रेलिवेंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि जो ऑप्शन हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस क्वेश्चन का उसके अंदर भी सेम वैसे ही रेलिवेंस होगी जैसे कि क्वेश्चन में थी ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन स्नेक स्नक इज बिस्ट्री बेसिकली uh, जो स्नेक है वो मॉनगूस को खाता है मॉनगूस एक मैमल एनिमल है ठीक है तो स्नेक उसको खा रहा है सो बेसिकली हेयर प्रीडेटर और ये जो है उसका स्नेक जो है उसका शिकार कर रहा है तो सिमिलरली हमने उसके एनोलॉगी देखनी है तो ऑप्शन बी में यहाँ पे फिश और क्रेन है तो क्रेन जो है वो बेसिकली फिश को खाती है सो क्वेश्चन नंबर वन के लिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट चॉइस है क्योंकि दोनों में सेम एनोलॉगीज है से. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज रेलिवेंट एंड क्रूशल ठीक है रेलिवेंट क्रूशल मीन इंपॉर्टेंट और रेलीवेंट कोई भी उस चीज़ से जो है रेलीवेंट कर रहा हो तो इससे रिलेटेड ऑप्शन बी है जिसमें ऑबिस uh, का मतलब होता है जो कि ईजिली परसीवेबल हो और परसैप्टेबल भी वही मीनिंग दे रहा है सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन उसके बाद मूव uh, करते हैं टूअर्ड द क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज बेसिकली ब्लिस्टर एंड स्किन ब्लिस्टर स्किन का एक इन्फेक्शन है सो सिमिलरली आपके पास जो ऑप्शन डी में स्टाई एंड आय है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि जो स्टाई है वो आय के इन्फेक्शन को बोलते हैं ठीक है आई के एक काइंड ऑफ इन्फेक्शन है स्टाय सो क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन उसके बाद मूव करते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में फ्लावर एंड बर्ड है सो बेसिकली बर्ड जो है वो जब ग्रो करता है तो वो स्टेम या फिर फ्लावर इस तरह से बन रहा होता तो है, तो है, है तो जो फ्लावर है दैट इज बेसिकली ग्रोइंग फॉर्म ऑफ बर्ड तो सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास प्लांट सीड है टेबल एंड चेयर है तो सीड जो है वो भी ग्रो करता है तो प्लांट बनता है तो इसकी अनोलॉगी सेम है जैसे कि बर्ड ग्रो करके फ्लावर बन रहा है तो सीड ग्रो करके प्लांट बन रहा है सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन उसके बाद है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव इंसोलिन एंड डायबिटीज़ जो डायबिटीज है ये डिजीज़ है ये आ, होती है बिकॉज ऑफ द डाइफिशंसी ऑफ इंसोलिन जब भी जो इंसोलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो डायबिटीज हो जाते हैं तो सिमिलरली इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो गोइटर है ये एक काइंड ये जो है थायरॉयड ग्रेन की एक डिजीज़ है जिसमें अब नॉर्मल जो है तौर पर इन्लार्जमेंट हो जाती है थायरॉयड ग्रेन की तो इसकी डैफिशंसी जो सॉरी इसका रीज़न इसके होता है कि आपकी डाइट में जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से ये हो रहा होता है सो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन उसके बाद मूव करते हैं द क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज टराइड एंड एब्यूसिव अब टायरेड जो है वो एक बहुत ही हेटफुल और एंग्री स्पीच है तो सिमिलरली एब्यूसिव जो है वो उसका एक किस्म का सैनम आप ले सकते हैं या फिर एक किस्म की एब्यूजिव जो है वो लैंग्वेज चूज़ करें तो इसके एल है ऑप्शन नंबर डी में जिसमें ईओलॉजी एंड रिग्रेटफुल है अब एक जो ईलॉजी है सॉरी एओलॉजी एक बेसिकली ऐसी स्पीच है जो कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए लिख रहे होते हैं जो कि डेड हो गया है ठीक है तो रिग्रेटफुल मतलब आप किसी ऐसे पर्सन के लिए कोई चीज लिख रही होती है तो बेसिकली रिग्रेट में लिख रहे होते हो उसके प्रेज में लिख रहे होते सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑनोलॉजी फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्स उसके बाद मूव करते हैं टुअर्ड द क्वेश्चन नंबर सेवन इन क्वेश्चन नंबर सेवन इट्स द सोल्जर एंड रेजिमेंट ठीक है जो रेजिमेंट है वो बेसिकली सोल्डर uh, का ग्रुप uh, होता है तो सिमिलर एनालोकी uh, जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है जिसमें सिंगर एंड कॉरस है कॉरस बेसिकली ग्रुप होता है सिंगर्स का जो के ऑर्गनाइज uh, करे होते हैं कोई भी सॉन्ग या एक्सेट्रा तो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर सेवन उसके बाद मूव करते हैं टूअर्ड द क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज़ असायलम एंड शेल्टर ठीक है दोनों का रीजन ये कोई भी किसी कंट्री में आप जाके असायलम जब कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप एक किस्म का शल्टर ले रहे होते हो सो so, इसके जो एनोलॉगी है दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोंग होल्ड एंड डेफेंस ठीक है आप किसी भी चीज़ के स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ रहे हो आप डेफेंस में आ रहे हो सो क्वेश्चन नंबर एट की जो एनोलॉगी है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी नाउ मूव टूर द क्वेश्चन नंबर नाइन दैट इज़ स्टैटिक एंड मूवमेंट स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट और मूवमेंट मीन इन मोशन सो इसके सिमिलर जो एनालॉगी है वो ऑप्शन नंबर ए में जहाँ पे है हमड्रम एंड एक्साइटमेंट एक्चुअली में जो स्टेटिक है दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और मूवमेंट होता है स्टेट ऑफ मोशन ठीक है तो यहाँ पे स्टेट्स टू स्टेट्स को आपस में बताया गया है कि दोनों ऑपोजिट स्टेट्स हैं हमारे पास सिमिलरली ऑप्शन ए में यहाँ पे है हमड्रम एंड एक्साइटमेंट हमड्रम मीन्स होता है कि स्टेट ऑफ बोरिंग और फीलिंग डल ठीक है तो उसके ऑपोजिट जो है वो हमारे पास एक्साइटमेंट होता है सो क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए एनोलॉगी ऑप्शन ए में करेक्ट है ओके okay? आगे है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में है इंटरेस्ट एंड फैसिनेट फैसिनेट का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन है जो वो जो है आपकी अटेंशन uh, ले रहा है आपकी तरफ या फिर इंटरेस्ट ले रहा है आप में ठीक है तो जो है ये इस तरह से आप इसमें रिलेट करें सिमिलरली पर जहाँ पे ऑप्शन ए है यहाँ पे है वक्स एंड एन रेड वैक्स मीन वैक्स मीन एनॉइंग और इरीडेट ठीक है और एन रेड मीन मेकिंग सम वन एंग्री ठीक है तो यहाँ पे जैसे फैसिनेट था मेकिंग सम वन अट्रैक्ट और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो उस तरह से रिलेट कर रहा था सिमिलरली इन रेड और वैक्स जो है यहाँ पे इस तरह से रिलेट करें कि वैक्स मीन्स दैट मेकिंग सॉरी एनॉय और इरीटेट हो रहा है कोई पर्सन और इन रेड जो है दूसरा पर्सन वो उसको एंग्री uh, कर रहा है या फिर उसको एनॉय कर रहा है या फिर उसको इरीटेट है सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट एनर फॉर द क्वेश्चन नंबर button.